अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, मैं हूँ आमना हमीद और आप हैं लाइफ ऑफ आमना हमीद के साथ। तो आज लाइफ ऑफ आमना हमीद बनेगा मगज़। ये मैंने एक छोटा मगज़ लिया है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, और साथ ही मैंने एक टमाटर और एक मिर्च थोड़ी सी काट ली है और एक आधा प्याज मैंने काट लिया है। तो चलें बनाते हैं मगज़ की रेसिपी मज़ेदार सी। ये मैं पैन में डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और ये मैं प्याज ऐड कर दूँगी साथ। प्याज देखिए मैंने बारीक बारीक काटे हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, ताकि खाने में भी अच्छे लगे और मगज़ में अच्छे से ये मज़ेदार से मुँह में आए तो क्रंच एक अलग से दें। इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर और मिर्च जो हमने काट के रखी हुई है। प्याज को भी मैं और टमाटरों के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखें, और अब मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी नमक, मिर्च मसाला जो हमारा नॉर्मल का मसाला है। मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च, हल्दी भी थोड़ी सी और नमक भी हल्दे जायका मैंने डाल दिया है। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी साथ। ये मेरे पास है छोटा मगज़ एक, जिसको मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है। आपको पता है कि धोने का क्या तरीका है, उसको अच्छे से धोते हैं गर्म पानी से, ताकि जो इसके अंदर जालियाँ होती हैं वो निकाल लें, और अगर तो कोई हड्डी छोटी बारीक सी हो तो वो भी निकल जाए। तो अब मैं इसको मसाले में डालती हूँ और इसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से। ये देखें बिल्कुल अंडे की तरह हो गया है, बड़ा मगज़ भी ऐसे ही बनता है और बहुत मज़ेदार लगता है। चलिए मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से, ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। बड़ी के ये फ़ायदे होते हैं कि मगज़ भी मिल जाता है, पाए भी मिल जाते हैं घर के, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी तैयार होना शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपना त्यौहार है, इसके हमें यही फ़ायदे हैं, और अल्लाह पाक ने हमें पूरा करने की तौफीक दी। उम्मीद है आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा बड़ी ईद को अपनी देसी डिशेज के साथ। पानी इसका अच्छा से खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है मगज़ हमारा मज़ेदार सा। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अंडे का ऑमलेट बनाया, लेकिन ये मगज़ है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी ज़रूर किया करें और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई भी किया करें। ये देखें जी, परफेक्टली कुक हो गया है मज़ेदार सा, सिर्फ 3 से 5 मिनट की ये रेसिपी है। बहुत मज़ेदार तैयार होती है, टेस्टी भी है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।